ने दरमियान जमात काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो और शरीयत के खिलाफ हो। हम समझते हैं कि ये सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत करके दफा 247 का गलत इस्तेमाल किया है। इस रेगुलेशन में कबाइली इलाका जिसको हम फाटा कहते हैं, जो फेडरल के जर इंतजाम इलाका है, और पाटा जो प्रोविंशियल हुकूमत के जर इंतजाम इलाका है, जो मलाकंड डिवीजन है, इन दोनों इलाकों में पॉलिटिकल एजेंट और डीसीओस को गैर मामूली इख्तियारात दी हैं अदालतों के बगैर। यानी वो अदालत के बगैर किसी फर्द को फांसी भी दे सकता है, उम्र भर कैद सजा भी सुना सकता है, 14 साल भी सजा दे सकते हैं, और उनका घर भी बुलडोज कर सकते हैं, और भारी जुर्माना भी आयद कर सकता है। और इस सारे प्रोसेस में अगर एक सरकारी आदमी ने या एक सिक्योरिटी के बंदे ने किसी फर्द के खिलाफ गवाही दी कि इसने रियासत के खिलाफ ये काम किया है, या तकरीबन और पॉलिटिकल एजेंट इस फर्द को हर तरह की सजा दे सकती हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है जिसके बुनियाद पर एक आम इंतजामी अफसर एक शहरी को यह सजा दे सके। हमने इस बुनियाद पर मुतालिबा किया है कि सदर पाकिस्तान इस रेगुलेशन को वापस ले ले, और इस तरह का रेगुलेशन आपके इलम में अगर हो तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान में आजादी की तहरीकों को दबाने के लिए जो कानून लाया था वो भी ऐसा नहीं था। हत्ता कि मकबूदा कश्मीर में हिंदुस्तान ने वहां के लोगों को दबाने के लिए जो कानून लाया है वो भी ऐसा नहीं है। बराबर इन जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम ईद ज्यादा है, और अब उन्होंने कुल्लम कुल्ला तौर पर बलूचिस्तान में भी अपने असर नफूज में इजाफा करना, वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के सियासी क्यादत से अमरीकी सफारतकारों का मुलाकातों का एहतमाम करना, और कुल्लम कुल्ला एक सियासी रोल अदा करने के लिए अमरीकियों ने वहां पर हलचल शुरू की है, जो पाकिस्तान की जुग्राफिया के लिए, पाकिस्तान के नजरियात के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए एक जबरदस्त खतरा हम महसूस करते हैं। मोहतरम साहब या हजरात, आप जानते हैं कि इस वक्त कराची समेत मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो अमन अमान है, और अमन अमान हर पर्द की जरूरत है, और किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूं। जमात इस्लामी गैर मशरूत तौर पर अपनी ताउन पेश करने का ऐलान करती हैं कि अगर हुकूमत की नीयत खालिस हो, अमन अमान कायम, अगर दहशतगर्दी में कोई आदमी पकड़ा जाता है तो फौरन उसको मीडिया के सामने पेश किया जाता है, लेकिन यहां पर अभी तक और लोगों को बताया जाए कि इसके पीछे कौन है। जाहिर है इतना बड़ा कत्लेआम और इतना तसलसल के साथ ये कार्रवाई किसी फर्द वाहिद की कार्रवाई तो नहीं है, इसके पीछे तो एक मुनज्जम साजिश है, एक मुनज्जम तंजीम हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक आवाम का तो यह मुतालिबा है, लेकिन हुकूमत इस तरह के लोगों को पकड़ने में अदालतों में उसको पेशकती इलेक्शन की भी बात हो रही है, ये सूबाई चैप्टर है। यहां असदुल्ला भुट्टो साहब इस पर बात करेंगे, मेहनती साहब बैठे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि निजाम कमिश्नरी का हो या निजाम बल्दियाती का हो, जब तक जनाब हाजी अशरतुल इबाद साहब और गाजी कायम अली शाह साहब जैसे वजीर आला और गवर्नर हो और इन लोगों के हाथ में इख्तियारात हो, कोई भी निजाम आप लाए उससे आवाम को कोई फायदा नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान के इत्तेहादियों ने जो पॉलिसी जारी रखी है, अमरीका नवाज पॉलिसी, क्या इन पॉलिसियों को दबाव दिया जाता हूँ की ये फैसले तो इस समझो में होना चाहिए। दस्तखत
हैं। ये अभी इसको तो पार्लियामेंट में जाना होगा क्योंकि पाकिस्तान की